मीडिया ने प्रोपेगेंडा कर दिता कि तुसीं कनेडा च जाके जमीन खरीदते जाओ। असीं कनेडा च 50 रुपए की टिकट लैके नहीं जाते, असीं कनेडा च 50 रुपए की टिकट लैके ट्रेन च बह के नहीं आ जाते। कनेडा जाने लई इत्थे नौजवान खज्जल हुंदा आईलैट्स सेंटरां दे विच, फिर वह 25-30 लाख रुपया फीस भरता है, फिर उत्थे जाके 5-7 साल वो टैक्स भरता है, फिर जाके कितने PR मिलती है, उत्थों की बोली सीखनी पैंदी है, उत्थों का सभ्याचार सीखना पैंदा है, फिर अगले सिटीजन छिप देते हैं। इत्थों जिहड़ी 50 रुपए की टिकट लैके पंजाब वाल वड़ना है, इत्थे आ के बोली दूजी बोलनी है, हिंदी बोलनी है, रेहड़ियां लाउणियां ने ते हिंदी च लिख के लाउणा उत्थे बोर्ड। सो इस करके ये मांगण ना करिया करो कि असी जी उत्थे कनेडा जांदे आ ते इन्हां नूं वी आउण दा अधिकार है। कनेडा वैसे भी गोरियां दा मुल्क नहीं, जिन्हां दा मुल्क दबिया गोरियां ने, जे कल नूं ओह सानूं कहणगे उन्हां दी सुणांगे। ये गोरियां ने जिहड़े जिहड़े मुल्क दबे आ, ईसाइयां ने जिहड़े मुल्क दबे आ, उत्थे जा के हर कौम बसी है, उत्थे गोरियां दा दबदबा नहीं हैगा, फिर असीं उन्हें सुणदे फ्रीए। ते पंजाब दे विच सिखां ने जिहड़ी कुर्बानियां कीतियां, मैं कल भी कहा सी कि दावा ते कर देना भी पंजाब दी शांति है, शांति जी एक ते मैनूं इह नहीं समझ आउंदी कि शांति दा असीं कोई ठेका लिया होया, साडियां धीआं भैणां दी बेबदी होवे, साडे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बेअदबी होवे, साडे तख्त ढह जाण, साडे लखां नौजवान गोलियां ना मारे जाण, साडे लखां नौजवान नशे ना मार दिते जाण, हां के अखीर नूं कहा जावे कि तुसीं शांति रखो जी। शांति रखदा कौन हुंदा? जिहड़ा अशांति फैला सकदा है। अशांति कौन फैला रिहा? हिंदुस्तान दी हुकूमत ने अशांति फैलाई है, जिन्हां ने वोटर लिस्टां वंडियां, जिन्हां दिल्ली दे विच सिखां दा कत्लेआम कीता। दिल्ली दे सिख जो संत इत्थे प्रचार करदे सी ना, दिल्ली सिख संतां दे खिलाफ बहुते सिख जिहड़े सी रसाले छापदे रहे, भी संतां नूं गदार लिखदे रहे, पर आखिर ते उन्हां नूं लगदा सी कि जे हिंदुस्तान दी हुकूमत दा साथ रहांगे ते बचे रहांगे। होया कि दिल्ली दे विच सब तों वड्डा कतलेआम होया, जिहड़े दिल्ली दे सिख हुकूमत दे सब तों नेड़े समझदे सी अपने आप नूं, उन्हां दा सब तों वड्डा कतलेआम होया। उन्हां नहीं वेख्या कि सिख कांग्रेसी है, उन्हां नहीं वेख्या भी सिख BJP दा है, उन्हां नहीं वेख्या भी सिख कामरेड है, उन्हां इक्को गल वेखी कि नां पिछे सिंह लगदा है। वोटर लिस्टां कढ़ियां, घरां ते निशान लाए ते निशान ला के कतलेआम शुरू कर दिता। बचे केवल वह जिन्हां ने गुरु दा हुकम मन्निया सी, शस्त्रधारी सी, जिन्हां शस्त्र हीणी सी होए वह बच गया, बाकी सारिआं दा नुकसान होया। सो इस करके अज भी मैं जो कहा है कि अमृत छकना है, ठंडे बाट की पौल छकनी है, शस्त्रधारी होना है, शस्त्रधारी हो के की करना, किसी का गाटा लाना सी, गाटा तो केवल ओदा लावांगे जिहड़ा बिल भी करना आउंदा, जिहड़ा किसी की धी भैण की बेबती करना आउंदा, जिहड़ा सिख शहीदों का अपमान करना आउंदा, जिहड़ा गुरु घरां ते माड़ी निगाह रख के आउंदा, ओदा ते करांगे। वैसे जिहड़ा शस्त्र है आत्म रख्या लई क्यों ना रखीए, साडियां धीआं भैणां ने कल नूं कोई दुखी का बंदा आण के साडे गल पवे, साडी धीआं भैणां दी पादू हाथ पावे, ते फिर करना की है, फिर गंढे चीरन वाली छुरियां का मुकाबला करना। सो इस करके किसी के प्रोपेगेंडे च आने की लोड़ नहीं। ये वो प्रचार क्या जिहड़े 20 साल नहीं बोले, जिहड़े 20 साल चुप रहे, कौम का काम हुंदा रहा, अज इन्हां नूं लगा भी नौजवान लामबद्ध होण लगे आ, इन्हां ने अपना राज लाना शुरू करता भी पुत मर जाएंगे। आ मावं बैठिया ने, मैं मावं नूं पुछना चाहना कि किहड़े राह तोरना पुत्तां नूं, चिट्टे दा टीका लवा के मनाउणा है कि कौम के नाते संघर्ष करदे नूं शहीदी तौर चाहीदी है सानूं। शहीदां दीआं लाशां झोली च मां मान ना पवा लैंदी है, नशे नाल मरिया पुत मां आप झूठ बोलन लग पैंदी, पता नहीं कितना मर गया, मैनूं तां पता नहीं।